मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से मिले थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट समैया पर हमला कर रहे हैं पर हमले का आरोप जमकर हुआ हंगामा। देर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता ठाकरे सरकार के खिलाफ फिर प्रदर्शन संजय राउत के खिलाफ किया नारेबाजी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना कहा मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठप हुई सौमैया की सुरक्षा के लिए पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। बीजेपी नेता किरीट सौमैया देर रात 2 बजे बांद्रा थाने से निकले बाहर पुलिस पर फेक FIR दर्ज करने का लगाया आरोप बांद्रा पुलिस ने जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर की फायर। मेरे सिग्नेचर नहीं है वीडियो में न्यूज चैनल में भी दिख रहा है 70 ऐसी शिवसैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया दगड़ लगे पत्थर लगे कार टूटी मुझे लगा। किरीट सौमैया की शिकायत पर बांद्रा थाने में दर्ज हुआ केस मुंबई पुलिस की DCP का बयान सौमैया पर हुए हमले की जांच की जा रही है का आगे का तपास मुंबई पुलिस कर रहा है एंड द इन्वेस्टिगेशन विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तारी के बाद खारखान थाने में रखा गया थाने में ही मेडिकल हुआ थाने में की कटी रात। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी खुली धमकी कहा जो भी पार्टी के धैर्य की परीक्षा लेगा उसे जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। छेड़छाड़ करूं ना का 20 फुट खाली गाड़ लेगा। नवनीत राणा के वकील का बयान दोनों जनप्रतिनिधि है गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत नहीं लेनी चाहिए थी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सांसद नवनीत राणा ने भी शिवसैनिकों के खिलाफ खार थाने में शिकायत दर्ज कराई कहा हमें जान से मारने की कोशिश की गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी किरीट सौमैया के गाड़ी ड्राइवर पर दर्ज कराया केस खार पुलिस स्टेशन में धारा 279-337 के तहत मुकदमा दर्ज। मुंबई में पुलिस के घर पहुंचने पर जमकर बरसी नवनीत राणा घर के अंदर पुलिस से हुई कहा सुनी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नवनीत राणा पर साधा निशाना कहा नवनीत राणा और रवि राणा बंटी बबली की जोड़ी है राम और हनुमान भक्त होने का ढोंग करते हैं लाइव कर रहे हैं हम तो यहाँ पे उनके इंतजार में बैठे हैं ना। नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई से लेकर अमरावती तक शिवसेना का मोर्चा अमरावती में भी नवनीत के घर के बाहर शिवसेना समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सभी वार्डों में पदयात्रा निकालेगी आपका दावा बीजेपी नेता लोगों को बुलडोजर का डर दिखाकर पैसे ऐंठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन आज प्रयागराज के थरवई गांव का दौरा करेगा एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भ्रष्टाचार पर विवादित बयान अधिकारियों से कहा पैसा कमाना बुरी बात नहीं पूरा का पूरा डकार जाना बुरी बात। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा दूसरे राज्यों के लोग यहां आकर अपराध करते हैं उनकी पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाएंगे चारधाम यात्रा के तहत वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू। ममता बनर्जी ने रिपुन बोरा को असम का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं रिपुन बोरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जालौन दौरा 25 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है सम्मानित पीएम मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़ेंगे सीएम योगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को अशोक गहलोत ने खारिज किया कहा मेरा परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है। मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का है पहली बार दूसरी बार जो भी था तीसरी बार तो मैंने उनको उस पर से अधिगत करने का है मेरा इस्तीफा तो परमानेंट के पास भी है।
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी की आलोचना के बाद बीजेपी की तारीफ की, कहा बीजेपी में बेहतर राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाली किया सीएम आवास, अब 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में हुए शिफ्ट। महाराष्ट्र में आज एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी को दिया जाएगा पहला लता मंगेशकर पुरस्कार, राज ठाकरे भी रह सकते हैं उपस्थित। 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर का पहला दौरा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर संबा के पल्ली गांव में देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे मोदी। पीएम मोदी आज 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। आज वेदर बनिहाल कांचीगुंड रोड टनल का उद्घाटन, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। आज पीएम मोदी चिनाब नदी पर बनने वाली रतले और कवार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास के लिए अमृत सरोवर योजना भी शुरू होगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम, रेडियो प्रोग्राम का यह 18वीं एपिसोड होगा, हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में होगा प्रसारण। दिल्ली में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के घर बिहू के आयोजन में शामिल हुए पीएम मोदी, ढोल बजाकर किया शुभारंभ। राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा, विकास के लिए मास्टर प्लान के काम के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों के सैकड़ों साल पुराने होने का दावा है। अलवर में तोड़ा गया अतिक्रमण, एक अवैध गौशाला पर प्रशासन की कार्रवाई, मैथाना गांव में गौशाला पर चला बुलडोजर। अलवर के राजगढ़ में उस मंदिर तक पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन जिसे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन भी पहुंचा अलवर, अतिक्रमण के दौरान मंदिर तोड़ने वाली जगह का दौरा किया गया। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, एनएसए के तहत गिरफ्तार 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ाई गई, 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ अधिकारी शंकर प्रसाद पटेल को आज दी जाएगी अंतिम विदाई, मध्य प्रदेश के पैतृक गांव नौगवा में आज होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के सूजवान में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने शफीक अहमद शेख नाम के शख्स को त्राल से गिरफ्तार किया, जैश के इशारे पर कर रहा था। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल के पीछे मिला टिफिन बम, जांच के लिए बुलाई गई सेना की बम स्क्वाड टीम, टिफिन बम में लगे थे डेटोनेटर। दिल्ली में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश के चलते गाजीपुर इलाके में की गई थी हत्या, दिल्ली पुलिस ने खंगाले 500 सीसीटीवी फुटेज। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, 4 लोग हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मिले 10 तमंचे, 1 बंदूक, जिंदा कारतूस के अलावा हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। कन्नौज में छुड़ाया गया अवैध कब्जा, अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत यादव पर हुई कार्रवाई, 10 बीघा जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी करके किया गया था अवैध कब्जा। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज, इमली वाली मस्जिद के बाहर प्रशासन ने अनुमति लिए बना सड़क पर पढ़ी गई नमाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शांति और सद्भाव के आज हिंदू मुस्लिम मिलकर निकालेंगे तिरंगा यात्रा। दिल्ली में 24 घंटे में 194 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 2 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस 3,705 हुए। गुजरात के सूरत में भजन के दौरान उड़ाए गए नोट, जमीन पर लगा नोटों का ढेर, भजन सुनने वक्त आए लोगों ने उड़ाए नोट। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने जीता गोल्ड, 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता, 70 किलो वर्ग में नवीन को मिला ब्रॉन्ज।
रूस और यूक्रेन में 60 दिन बाद भी भीषण युद्ध जारी। खेरसान में रूस के दो बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। कीव खारकीव में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा पंजाबी साडियां बावा एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1939 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु आज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून।